हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप पाइथन के प्रोग्राम में स्ट्रिंग के अंदर को यानी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं तो आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, जैसे सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं या एथिकल हैकिंग के ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो पाइथन पे डेवलप होते हैं, आप काफ़ी अच्छे तरीके से और स्मार्टली डेवलप कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हमने कैसे स्ट्रिंग के अंदर को स्ट्रिंग को फाइंड किया है। देखिए, सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ये आप सभी जानते हैं, इतने टाइम से प्रोग्रामिंग कर ही रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा कोड जो है लिखना है। मैं यहाँ पे एक सपोज़ कीजिए एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग को जो हूँ टाइप करता हूँ, छोटी सी स्ट्रिंग टाइप करता हूँ, हेलो आई एम मिस्टर बॉट, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप करी, हेलो आई एम मिस्टर बॉट, जो कि एक्स नाम के वेरिएबल में है। अब एक वेरिएबल में और लेता हूँ वाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा एक्स नाम का वेरिएबल है इसके अंदर हमें कौन सी स्ट्रिंग फाइंड करनी है ये देखना है। तो यहाँ पे मैंने एक्स नाम का वेरिएबल का यानी वेरिएबल का नेम दिया डॉट फाइंड। इसका मतलब कि एक्स नाम के वेरिएबल में जो हम स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं, तो मैंने इसको बताया है कि एक्स नाम के वेरिएबल में मेरे को फाइंड करना है। और यहाँ पे मैं एक उस स्ट्रिंग का नेम दे देता हूँ। सपोज़ करिए कि मेरे को बी ओ टी की लोकेशन चाहिए, यानी बॉट की लोकेशन, वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे आ गया है बॉट। अब मेरे को इस प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज कर देना है, ब्रैकेट मेरे क्लोज हो गए। अब मेरे को इसको प्रिंट चाहिए, तो प्रिंट के लिए हम प्रिंट करेंगे। अब आउटपुट मुझे चाहिए वाई में, तो वाई वेरिएबल देंगे यहाँ पे। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ फाइंड स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड स्ट्रिंग के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे लाइन 3 में मेरे पास एक एरर आया है मॉड्यूल में, ठीक है। इस एरर को हम देख लेते हैं, प्रिंट इक्वल टू वाई, ठीक है, और एक्स ये सही है। अब करते हैं रन, देखते हैं आउटपुट क्या आया। 14 आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसने मेरे को बता दिया कि एक्स नाम के वेरिएबल में जो आप बॉट नाम की लोकेशन देख रहे हो वो 14 नंबर पे है। इस तरीके से आप किसी भी स्टेटमेंट के अंदर पता लगा सकते हैं, जो भी आपने स्ट्रिंग में स्टेटमेंट लिखा है, कि वो आपका जो भी टेक्स्ट लिखा है वो कहाँ पे है। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पे ये बॉट नाम का जो स्ट्रिंग है ये तो इसमें थी एक्स नाम के वेरिएबल में। अब सपोज़ करिए कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब नाम की जो स्ट्रिंग है एक्स नाम के वेरिएबल में तो है नहीं। तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। मैंने इसको सेव किया और रन किया, देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आउटपुट आया है -1। ये समझने वाली बात है, जब भी आपकी स्ट्रिंग वहाँ पे मैच नहीं होगी, ठीक है, तो हमेशा -1 देगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप समझ जाइए। अगर मैं यहाँ पे -10 करता हूँ तो आउटपुट, सॉरी +10 करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैंने एक्स डॉट फाइंड नाम के जो इसमें स्ट्रिंग आउटपुट की है, कि मैंने बताया है कि एक्स नाम के वेरिएबल में ये स्ट्रिंग आपको फाइंड करनी है, ये स्ट्रिंग नहीं मिली तो इसका तो आउटपुट आएगा -1। लेकिन उसके आगे मैंने +10 कर दिया है तो आउटपुट क्या हुआ, 9 हुआ। तो देखते हैं कि वाई में क्या प्रिंट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंट हुआ है 9। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे को इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है नीचे कमेंट में जरूर करना, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।